हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपका टीचर लोकेश नागर, आपका दोस्त लोकेश नागर। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, दोस्त भी कह सकते हो, टीचर भी कह सकते हो, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा ऐसे रहा हूँ जैसे दोस्त कोई पढ़ाते हैं। तो मैं दोस्त की तरह आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, दोस्त की तरह करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी आज पहली बार इस चैनल का जो ये वीडियो सुन रहा है तो वो बाकी वीडियोज़ को देखे कि किस तरह मैं बी का यूज़ बताएं, कैसे मैं आज हैव के यूज़ बताऊँगा। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया बी के बाद क्या क्या आ सकता है। बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ सकता है, बी के बाद नाउन नहीं आ सकता। तो बी के बाद नाउन नहीं आ सकता, आप समझो बी के बाद नाउन नहीं आ सकता, नाउन कहाँ पे आएगा? नाउन आज पढ़ेंगे अपन, नाउन हैव के बाद आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर में डाल रहा हूँ डेली, उनको भी देखा करें आप, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, पूरी डिटेल देता हूँ करंट अफेयर्स की, जैसे जीके की तैयारी साथ ही साथ करा रहा हूँ। देखते हैं हैव, हैव में कौन कौन से वर्ड है। जैसे बी में बताया था मैंने, बी में इज एमआर आता है, वाजवर आता है, बी बीन बीन आता है, वैसे हैव में क्या क्या आ सकते हैं। बी हैव में आ सकते हैं, हैज आ सकता है, हैव आ सकता है, हेड आ सकता है और हैविंग आ सकता है, ये सब कुछ हैव में आते हैं। ठीक है, मैं केवल हैव को ले रहा हूँ, बाकी सबको एक साथ ही लिख रहा है। हैव लिखूंगा इसका मतलब है सभी लिखा हुआ, सभी लिखे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, देखते हैं हैव। तो हैव क्या है, हैव अगर हेल्पिंग वर्क में यूज करेंगे तो हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म आ सकती है प्रेजेंट में, और हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म आ सकती है पास्ट में। अब हैव प्रेजेंट के हिसाब से क्या क्या हो सकता है आपको पता है। हैव की यहाँ पे हो प्रेजेंट में क्या होते हैं, हैव की फॉर्म हैव्स और हैज और हैव, और पास्ट में हैव क्या हो जाएगा, हेड। समझे, तो ये आगे दो वाले प्रेजेंट के लिए हो जाएंगे और पीछे वाला पास्ट के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे लिख सकते हो और पीछे वाला आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कि पास्ट के लिए काम हो जाएगा। बात करें मेन वर्ब, मेन वर्ब में हैव भी काम आता है, जो हैव प्लस डायरेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और जो ये हैव के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टीवी की तरह काम कर रहा है। मैंने बताया था टीवी में कैसे काम करते हैं, टीवी के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा हो, किसी वर्ग के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो वो टीवी की तरह ही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना इफेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर डाल रहा है। बताया था ना, जो कंटिन्यू फॉलो कर रहा है चैनल के वीडियोज़ को समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और जिसको समझ भी नहीं आ रहा वो टीवी के और आई टीवी के वीडियोज़ को जरूर जरूर देखे, क्योंकि पूरी इंग्लिश उसी पर ही टिकी हुई है। पिछले वीडियोज़ में जाके देखे, बहुत अच्छे से समझाया मैंने कैसे इफेक्ट ट्रांसफर होता है, कैसे नाउन निकालते हैं, कैसे एडजेक्टिव निकालते हैं, तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम्हारा पेन, तुम्हारा रजिस्टर, कितने मजे मजे में अपन ने इंग्लिश को पढ़ा है। देखते हैं एग्जाम्पल, ये सबको पता है, मैंने फिर भी लिखा है, ही से इट नेम के साथ हेज आता है, आई वी यू दे के साथ हैव आता है। ये दोनों किसकी बात होगी, प्रेजेंट की बात करते हैं, पास्ट कहते हैं, ही से इट नेम के साथ हेड आएगा पास्ट में, आई वी यू दे के साथ भी हेड आएगा पास्ट में, तो दोनों में हेड आता है, और दोनों में यहाँ पे हेज आता है और यहाँ पे हैव आता है। ठीक है, आ रहा है समझ में, इतना तो सबको आता है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, हैव के बाद क्या क्या आ सकता है। हैव के बाद नाउन आ सकता है, हैव के बाद ओनली मैंने क्या लिख रखा है, नाउन। हैव के बाद क्या लिख रहा है, ओनली नाउन। और बी के बाद क्या आता है, बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी आता है, जो मैंने नाउन वाले बी के वीडियो में बताया अच्छे से। और क्या कहता है, हैव के बाद हैज, हैव, हैड, हैविंग के बाद टीवी की और आई टीवी की, दोनों की थर्ड फॉर्म आ सकती है। क्या? दोनों की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, दोनों की आई एन जी वाली फॉर्म भी आ सकती है। हैव के बाद टीवी और आई टीवी, मैंने टीवी आई टीवी अच्छे से बताया, जो थोड़ा सा भी लग रहा हो कि ये क्या बता रहे हैं सर, तो आप पिछले वीडियोस को जरूर देखें यार, कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से मैंने समझाया। हैव और टीवी और आई टीवी के दोनों के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है और आई एन जी वाली फॉर्म भी आ सकती है हैव के बाद। लेकिन बी की बात करें तो बी के बाद क्या आ सकता था, बी के में ये बी वाली देख मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बी के बाद टीवी और आई टीवी की आई एन जी वाली फॉर्म आ सकती है, जैसे इसमें जो आई एन जी और थर्ड फॉर्म वाली आ रही है, तो वहाँ पर बी के बाद आई एन जी वाली फॉर्म आ सकती है। बी के बाद दोनों की टीवी और आई टीवी की आई एन जी वाली फॉर्म आ सकती है, लेकिन थर्ड फॉर्म की बात कर लें तो थर्ड फॉर्म टीवी की ही आएगी। क्या? टीवी की थर्ड फॉर्म में आएगी और आई टीवी की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म पेशी में काम आती है ना, और थर्ड फॉर्म पेशी में काम आती है, यानी कि पेशी में कौन सी वर्ब यूज करते हैं, टीवी का यूज करते हैं। मैंने बताया था टीवी का यूज करते हैं, पेशी में आई टीवी का यूज नहीं होता। जिसको भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा हो कि सर क्या बता रहे, तो आप पिछले वीडियोस को जरूर देखें यार, कि मैंने कितने अच्छे समझाया उसको। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं। यहाँ लिखा है मैंने आई हैव अ कार, नॉर्मल सब बोलते हैं आई हैव अ कार। अब आई हैव अ कार, इसका ये जो ये है ना हैव, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है बताओ, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। क्या है मेन वर्ब, मैंने बताया था मेन वर्ब की तरह काम करता है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब क्या, यानी इसके बाद क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही तो है। कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल है, अरे नाउन है ना, तो ऑब्जेक्ट है, नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, दोनों एक दूसरे पे होते हैं, ये इसका आर्टिकल है। तो हैव के 10 बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, हैव के 10 बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि ये क्या है,
वर्ब मेन वर्ब है लेकिन मेन वर्ब भी कौन सी है बताओ बताओ आओ सभी बताओ क्या है टीवी है क्यों क्योंकि वर्ब के जस्ट बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है और अपना इफेक्ट क्योंकि ये इसका इफेक्ट इसी पे तो डाल रहा होगा ना क्योंकि है अब इससे क्वेश्चन पूछो टीवी है तो कैसे क्वेश्चन पूछते मैंने बताया था अच्छे से बताया था बोलो सब बोलो जिस यहाँ पे क्वेश्चन पूछो किससे वार्ड से या फिर होम से आई हैव मेरे पास है क्या मैंने वार्ड से क्वेश्चन पूछा क्या आई हैव मेरे पास है क्या है मेरे पास कार है ना इफेक्ट हो रहा है ना इस पर इफेक्ट हो रहा है यानी कि ये टीवी है ना तो टीवी है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है टीवी फाइंड आउट करने बता दिया मैंने यहाँ पे टीवी में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे टीवी आई टीवी निकालते हैं देखते हैं हेड वाला आई हैड अ कार अभी पास्ट की बात है कि पास्ट में भी हैवी तो है ना हैव के बाद ये हैवी है अरे हमें पास्ट वाला क्या लेंगे अपन हेड लेंगे तो मेरे पास थी क्या मैंने यहाँ से क्वेश्चन पूछा क्या थी मेरे पास थी इसकी हिंदी क्या मेरे पास थी क्या वार्ड से क्वेश्चन पूछा क्या या कार मेरे पास एक कार थी तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगी टीवी हो जाएगी हेड भी क्या हो जाएगी टीवी मेरे पास थी क्या थी ये कार थी यानी कि अपना जो हेड से क्वेश्चन पूछने पर जब ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो टीवी हो जाएगी ये भी है ना जब ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं हुआ इफेक्ट तो वो आई टीवी होती है मैंने टीवी आई टीवी कैसे निकालते हैं मैंने अच्छे से बताया आपको ठीक है जिसको भी थोड़ा सा भी लग रहा हो कि सर कैसे बता रहे क्या बता रहे तो यार प्लीज यहाँ पे मैं अगर इसको अलग से टाइम दे दूंगा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा खींचेगा और यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कवर नहीं हो पाएगा ठीक है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि टीवी आई टीवी कैसे बताते हैं ठीक है पिछले वीडियो को जरूर देखे यार अपने चैनल के साथ जो वीडियो जो उनको शेयर करें अपने दोस्तों से ताकि बाकी लोग भी जुड़ सके और बाकी लोग भी सीख सके इंग्लिश को कैसे करते हैं कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं कैसे इंग्लिश को समझते हैं कैसे टीवी आई टीवी पूरा खेलती है बी कैसे खेलता है आज कैसे खेलेगा सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से है ना तो चैनल को शेयर करें यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं वीडियोस को ताकि वो भी अपने चैनल से जुड़ सके करंट अफेयर को जरूर देखें करंट अफेयर अच्छे से बता रहा हूँ पूरी डिटेल देता हूँ करंट अफेयर के साथ ताकि आपकी जीके भी कंप्लीट हो सके जैसे रेलवे के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बैंक की कर रहे हैं SSC कर रहे हैं सबका वो कवर कर रहा हूँ मैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं ही हैज सक्सेस इन हिज लाइफ और ही हैज सक्सेस इन हिज लाइफ अब मैंने अभी बेस्ट बोला था ये क्या है सक्सेस क्या है वर्ब है और ये सक्सेस क्या है नाउन है अब बताओ मैंने बताया ना नाउन कैसे निकालते मैंने पूरा जीरो से स्टार्ट किया बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया ये नाउन है सक्सेस यानी सफलता अभी नाउन है कैसे पता चला मुझे नाउन को कैसे निकालते बोलो रिदम बताइए मैंने कैसे पता करते वो बोलो क्या है तुम्हारा पेन तुम्हारा रिश्ते तुम्हारी सक्सेस है ना जिसे सक्सेस का पता करना है तो तुम्हारा पेन तुम्हारा रिश्ते तुम्हारी सक्सेस अगर बोलने में सही लगा है इस रिदम को बोलने में अगर सही लगा है तो क्या हो जाएगी नाउन बोलने में सही लगा अपन को तुम्हारा रिश्ते तुम्हारा पेन तुम्हारी सफलता बोलने में अपन नॉर्मली बोलते थे क्या हो जाएगी नाउन और सक्सीड अब वर्ब कैसे पता करते मैंने अच्छे से बताया अगर वर्ब में अगर जो वर्ड दे रखा है उसमें ईडी और आईएनजी लग रहा हो ईडी या आईएनजी दोनों से कुछ भी लग रहा हो तो वो वर्ब हो जाएगी इसमें सक्सीड में ईडी लग रहा है तो सक्सीडेड हो रहा है आईएनजी लगा दोनों ही लग रहे हैं इसमें तो दोनों ही लग रहे हैं वर्ब हो जाएगी और हैज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती जैसे बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती वैसे हैज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती और मैंने पिछले वीडियो में बताया अभी जस्ट पीछे वाले पेज में बताया कि हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना कि फर्स्ट फॉर्म आती तो ये तो पहले वैसे गलत हो जाएगा अगर यहाँ पे सक्सीडेड होता तो भी थोड़ा अपन सोच सकते लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कभी भी नहीं आ सकती अब यहाँ पे हैज के बाद सक्सेस लिखा है सक्सेस क्या है नाउन है तो हैज के बाद मैंने वो भी जस्ट बताया था पिछले पेज में कि हैज के बाद अगर नाउन दे रखा हो तो नाउन आ सकता है हैज के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी नहीं आ सकता क्योंकि वो तो बी के बाद आता है बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ सकता है लेकिन हैज के बाद केवल नाउन ही आता है तो ये नाउन ही है तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा ऊपर वाला गलत हो जाएगा ठीक है अगला एग्जाम्पल देखते हैं ही हैज सक्सेसफुल इन हिज लाइफ है ना तो हैज क्या है और हैज सक्सेसफुल क्या है एडजेक्टिव है कैसे पता चला सक्सेसफुल यानी सक्सेसफुल अब इसको है ना वो रिदम बताई थी मैंने एडजेक्टिव के लिए जैसे अभी नाउन के लिए बताई मैंने एडजेक्टिव के लिए क्या बताई थी तुम गोड़ो तुम पेड़ो है ना वो वाले बताई थी अब सक्सेसफुल का पता करना है उस रिदम को कंटिन्यू फॉलो करो बोलो कैसे तुम गोड़ो तुम बेड़ो तुम सक्सेसफुल हो जैसे बोलने में सही लगा सक्सेसफुल का निकाला तो तुम गोड़ो तुम बेड़ो तुम सक्सेसफुल हो बोलने में सही लगा जैसे नाउन के लिए सही लगा था वैसे एडजेक्टिव लिए सही लगा तुम गोड़ो तुम बेड़ो तुम सक्सेसफुल हो तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव तो ये क्या है एडजेक्टिव है और हैज के बाद एडजेक्टिव कभी भी नहीं आ सकता कभी भी नहीं आ सकता मतलब नहीं आ सकता क्योंकि एडजेक्टिव आता है किसके बाद बताओ स्टूडेंट किसके बाद आता है बी के बाद एडजेक्टिव आता है क्योंकि मैंने एडजेक्टिव बी में बताया था वहां पे आता है जो चीज वहां पे आती है वो चीज यहाँ पे थोड़ी आ सकती है वहां पे जैसे बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ सकता तो यहाँ पे नहीं आएगा उधर बी के बाद नाउन नहीं आ सकती थी तो बी के बाद यहाँ नाउन आ जाएगी उधर बी के बाद एडजेक्टिव आता था तो बी के बाद एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव यहाँ नहीं आएगा तो ये यहाँ पे नहीं आएगा तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा ठीक है यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में बताया था ही है सक्सेस ही है उसके वो सफलता रखता है अपने जीवन में या सक्सेस आ सकता है ना हो ना सकता है लेकिन सक्सेसफुल एडजेक्टिव है तो नहीं आ सकता देखते हैं आज के
वन वर्ड देख लेते हैं आज के। तो वन वर्ड क्या है, पहला वन वर्ड है फनम्बुलिस्ट। फनम्बुलिस्ट यानी जो नट है, जो रस्सी पे खेल दिखाता है ना, अपन कहीं रोड पे देख रहे तो रस्सी पे कोई खेल दिखा रहा, तो क्या होता है फनम्बुलिस्ट होता है वो, फनम्बुलिस्ट। बात करते हैं अगले वन वर्ड की, तो है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट यानी भाग्यवादी, जो अपने भविष्य में विश्वास करता हो कि हाँ मेरा तो भविष्य अच्छा, पंडित जी ने बोल दिया तुम्हारी तो नौकरी लगेगी, तुम पढ़ो नहीं पढ़ो, तो वो क्या होता है भाग्यवादी, जो भाग्य में विश्वास करता हो, फेटलिस्ट होता है वो। बात करें फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट यानी स्त्रीवादी। स्त्रीवादी यानी कि जो स्त्रियों के प्रति जो उनकी जो वेलफेयर है, उनकी उनकी वेलफेयर को जो डिवोटेड हो, जो मतलब उनकी सेवा पानी करता हो, सेवा करता हो, तो क्या हो जाएगा फेमिनिस्ट, जो स्त्रियों से मतलब डिवोटेड हो उनके प्रति, है ना, सेवा करता हो। बात करें फियांस और फियांसी, सभी जानते हैं फियांस फियांसी, तो मतलब मंगेतर से सगाई होने के बाद क्या बन जाता है, वो एक दूसरे के मंगेतर बन जाते हैं, है ना, तो मंगेतर हो जाएगा फियांस और फियांसी। फियांस हो जाएगा मेल के लिए, फियांसी जाएगी फीमेल के लिए, ठीक है। बात करते हैं एडम और फ्रेज की, तो आज के एडम और फ्रेज टू कम ऑफ एज यानी इसका मतलब है काफी सुधार होना, मतलब कोई चीज हो रही है उसमें काफी सुधार हो रहा है, तो उसका मतलब हो जाएगा टू कम ऑफ एज। बीच सेंटेंस या कहीं भी किसी भी सेंटेंस में पैराग्राफ में लिखे होते हैं तो अपन को समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। कहीं लिखा हो टू कम ऑफ एज, इसका मतलब है काफी सुधार होना। अगला देखते हैं ब्लेसिंग इन डिसग्यूज। तो ब्लेसिंग इन डिसग्यूज का मतलब हो जाएगा समस्या के बाद जो फायदे में, जिससे कोई प्रॉब्लम हो गई, तबियत खराब हो गई, लेकिन उसका कोई फायदा मिल गया अपन को, तो क्या हो जाएगा ब्लेसिंग इन डिस्क्वीज। समस्या के बाद जो फायदा हो, फायदेमंद हो, समस्या के बाद जो फायदेमंद हो, वो हो जाएगा ब्लेसिंग इन डिस्क्वीज। बात करते हैं अगले की, तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यानी अच्छे काम के लिए इनाम और बुरे काम के लिए सजा, मतलब अच्छे काम के लिए कैरेट मिल गई, बुरे काम के लिए स्टिक मिल गई, तो यानी कि अच्छे काम के लिए इनाम और बुरे काम के लिए सजा का मतलब हो जाएगा कैरेट एंड स्टिक। अगले देखते हैं ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स यानी ध्यान से सुनना, तो कोई कुछ बोल रहा है तो ऑल ईयर्स मतलब पे ऑल ईयर्स मतलब अच्छे से सुनो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब हो जाएगा ऑल ईयर्स। तो ये आज के अपन के जो हेजियो स्टार्ट हुए थे आज, तो मैंने अच्छे से बताया हेजियो की स्टार्टिंग अपन ने कर चुके हैं, बी अपन कवर कर चुके हैं, एडजेक्टिव वर्ब नाउन अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जो आज का वीडियो डायरेक्ट देख रहा हो तो थोड़ा सा अगर लगाओ कि सर क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा तुम्हारी तुम बुढ़ो तुम बैठो, तो पिछले वीडियोस को चेक करें, अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, कितने अच्छे से पूरी इंग्लिश की तैयारी करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चैनल के सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो देख रहे हो उसको लाइक करें, बाकी वीडियोस को भी चेक करें, साथ में करंट अफेयर जो मैंने डाले हैं डेली के डेली 5:30 में डालता हूं, उनको भी चेक करें, क्योंकि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर तो आते ही हैं, देखो, है ना, तो उसकी भी तैयारी मैं अच्छे से करा रहा हूं। आपको बस एक चैनल फॉलो करना है, वो स्टार्ट ग्रोइंग, तो आपकी सारी तैयारी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखें अपना, बाय।